हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो मिड साइज SUVs के बीच, यानी कि निसान किक्स और किया सेल्टोस के बीच। निसान ने अपनी किक्स 2020 में कुछ अपडेट्स किए हैं, छोटे अपडेट्स यानी कि कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, और बड़े अपडेट्स यानी इसके इंजन्स में बदलाव किए हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम तफसील से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या अब निसान किक्स किया सेल्टोस से बेहतर पैकेज बन गई है। क्योंकि आप सबको पता है कि किया सेल्टोस एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ आती है और लॉन्च होने के बाद से ही ये गाड़ी अपने सेगमेंट की लीडर रही है। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं लुक से। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है। लेकिन यहाँ किक्स और सेल्टोस के केस में मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि 10 में से 9 लोगों को किया सेल्टोस ही पसंद आने वाली है। कोई एक आध शख्स ऐसा हो सकता है जो ये कहे कि मुझे किक्स की लुक ज़्यादा अच्छी लगती है सेल्टोस से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सेल्टोस का ही लुक पसंद आएगा फॉर श्योर। अब यहाँ एक नज़र डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो निसान किक्स की लेंथ आपको मिलेगी 4384 mm की, विड्थ मिलेगी 1813 mm की, हाइट मिलेगी 1669 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2673 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 210 mm का, बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगी 400 लीटर की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 50 लीटर की। वहीं सेल्टोस की लेंथ आपको मिलेगी 4315 mm की, विड्थ मिलेगी 1800 mm की, हाइट मिलेगी 1645 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2610 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 190 mm का, बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगी 433 लीटर की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी भी मिलेगी 50 लीटर की। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि किक्स सेल्टोस से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊंची है, व्हील बेस भी किक्स का ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी किक्स का ज़्यादा है, सिर्फ बूट स्पेस सेल्टोस का बड़ा है किक्स से, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की एक समान है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो जैसा कि आपको पता है, दोनों ही गाड़ियां मिड साइज SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको फीचर्स भर भर के मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, मशीन्ड एलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, ऑटो AC, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड फीचर्स, रियर पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री एंगल कैमरा, रियर AC वेंट्स, रियर डिफोगर, रियर वॉशर एंड वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लेदर सीट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ABS विथ EBD, एयरबैग्स, ESP, TCS, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विथ लोड लिमिटर वगैरह वगैरह। लेकिन किक्स को अपडेट देने के बावजूद अब भी सेल्टोस कुछ फीचर्स ज़्यादा ऑफर करती है, जैसे सनरूफ, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड सीट्स, 8-inch स्मार्ट हेडसअप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, वायरलेस चार्जर, रियर डिस्क ब्रेक्स, और फिर अगर टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम की भी बात करें तो जहां सेल्टोस में आपको 10.25 inch का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, तो वहीं किक्स में आपको सिर्फ 8-inch का ही टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। स्पीकर्स भी आपको सेल्टोस में 8 मिलेंगे, जो कि किक्स में केवल 6 ही मिलेंगे। एयरबैग्स भी जहां आपको सेल्टोस में 6 मिलेंगे, तो वहीं किक्स में आपको एयरबैग सिर्फ 4 ही मिलेंगे। लेकिन यहां कनेक्टेड फीचर्स के केस में, जहां सेल्टोस के UVO ऐप में आप 37 फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, तो वहीं किक्स के निसान कनेक्ट ऐप में आप मोर देन 50 फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ इंजन्स की बात करें तो निसान ने किक्स में से डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इसमें केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही है। दरअसल किक्स में अब आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, पहला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। वहीं सेल्टोस में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल।
लेकिन यहाँ हम डीजल इंजन को स्किप करेंगे क्योंकि किक्स में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है। इसलिए सेल्टोस में आपको मिलता है पहला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। किक्स का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 106 PS और 142 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहीं सेल्टोस का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 115 PS और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के साथ आता है। वहीं टर्बो पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो किक्स का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 156 PS और 254 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के साथ आता है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मर्सिडीज़ और रेनो दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया है और ये इंजन पहले मर्सिडीज़ अपनी ए क्लास में यूज़ कर चुकी है। वहीं सेल्टोस का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 140 PS और 242 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT के साथ आता है। प्राइसिंग की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों की प्राइस आप वीडियो पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है दोनों में से। तो देखिए यहाँ क्लियरली किया सेल्टोस अब भी एक बेहतर पैकेज है क्योंकि एक तो ये आपको ज़्यादा वेरिएंट्स ऑफर करती है, फिर सेल्टोस में आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, लुक वाइज भी सेल्टोस किक्स से ज़्यादा बेहतर है, फिर सेल्टोस में आपको CVT और DCT दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। सेल्टोस ने जिस तरह इंडियन कार मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है उस हिसाब से देखा जाए तो ये रीसेल वैल्यू भी अच्छी देगी सेकेंड हैंड कार मार्केट में। वहीं किक्स के फेवर में सिर्फ एक ही चीज़ जाती है और वो है इसकी प्राइस, अदरवाइज सेल्टोस अब भी अपने सेगमेंट की किंग है फॉर श्योर। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन किक्स एंड सेल्टोस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।